हेलो ऑल, मैं हूँ अनीता वर्मा। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वंडर हैंड्स बाय अनीता वर्मा में। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मखनी या दाल मखानी। उसके लिए हमने लिए उड़द की दाल, इसको माँ की दाल भी बोलते हैं, और राजमा। तो आपको दिखाते हैं, ये दाल हमने ली है, ये है साबुत उड़द। ये ब्लैक कलर की रहती है, लेकिन ये हमने भिगो के रखी थी इसको 4-5 घंटे, और भिगोने के बाद धोने के बाद इसका थोड़ा सा ग्रीन कलर आ जाता है। ये देखो, हल्का सा ग्रीन ग्रीन हो गया है, डार्क ग्रीन है। और ये हमने एक कटोरी ली थी, और ये लिया है राजमा, इसको भी भिगो दिया था, ये भी 4-5 घंटे का भीगा हुआ है। और ये है 1/4 से भी कम राजमा। इन दोनों को मिला के हम बनाएंगे। इसको अभी हम कुकर में बॉयल करेंगे। बॉयल करते समय हमें सिर्फ इसमें पानी और नमक डालना है, और कुछ नहीं डालना है। पहले हम बॉयल कर लेंगे। पहले लोग इसको जब बनाते थे तो अंगीठी पे बनाते थे। अंगीठी पे मेरी मम्मी वगैरह क्या करती थी कि रात जैसे खाना बन जाता था रात का, फिर इसको पतीली में डाल के और रख देती थी, और ये पूरी रात जो है ये पकता रहता था। तो पकते पकते इतना इसका मतलब अच्छा टेस्ट हो जाता था। तो अब तो वो चीज़ रह नहीं गई है। हम ना तो अंगीठी है, ना चूल्हे हैं, कुछ नहीं है। अब तो हमको बनाना है तो कुकर में ही बनाना है, और गैस पे ही बनाना है। तो हम इसको कुकर में डाल के इसको बॉयल करते हैं। तो मैं दिखाती हूँ इसको कैसे आप बॉयल करोगे। ये डाल दिया हमने कुकर में दाल, साबुत उड़द। इसको दाल बोलना ना वैसे गलत होगा। दाल उनको बोला जाता है जिनमें ये दो इसके पार्ट अलग हो जाते हैं, और छिलका अलग होता है, वो होता है दाल। और ये तो होगी साबुत उड़द। और इसमें डाल देंगे ये राजमा। अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने अच्छे से डाल दिया है। और इसको ये देखो, ये बराबर मतलब पानी इसमें नाप के नहीं डाला हमने, बस ये डाल दिया कि ये जो दाल है इससे कम से कम आधा इंच ऊपर तक पानी रहे, क्योंकि अभी ये पकेगी फूलेगी, और इसको थोड़ा पकने में भी टाइम लगता है। और थोड़ा सा डाल देंगे नमक। नमक अभी थोड़ा ही डालेंगे, बाद में उस हिसाब से डाल लेंगे तड़का लगाएंगे जब। इसको तो उबालना ही है, मेन इसका होता है तड़का लगाना। अब इसको हम बंद करके गैस पे रख देते हैं। इसको अब गैस पे रख देते हैं, गैस जला के। अक्सर लोग ये कहते हैं ना, कोई चीज़ बॉयल करते समय कुकर में 4 सीटी लगा देना, 5 सीटी लगा देना। देखो, 4-5 सीटी का कोई मतलब नहीं है। 4 सीटी आप लगा के जाए देख लो, ये नहीं पकेगी। तो इसके लिए क्या करना है, 1 सीटी जब ये हो जाए तो राजमा, साबुत उड़द, छोले, ये सब थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इनको फिर सिम करके बिल्कुल गैस को, और 20 मिनट के लिए आप रख दो। उसके बाद चाहे जितनी सीटी आए, एक आए, दो आए, तीन आए, वैसे ज़्यादा सीटी फिर आती नहीं है, क्योंकि सिम पे हो रहता है, तो धीरे धीरे ये पकता रहता है। और आप इसको देखना, 20 मिनट बाद ये इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसका एक टाइम होता है कि इतने मिनट में, जैसे छोले का है 20 मिनट, राजमा थोड़ा सा 2-4 मिनट और ज़्यादा लेता है, साबुत उड़द है ये भी ज़्यादा टाइम लेगी। तो ये सीटी पे नहीं ध्यान दोगे, 4 सीटी हो गई, 5 सीटी हो गई, आप 1 सीटी हो जाने के बाद बस इसको सिम कर दो। उससे आपकी गैस की भी बचत होगी, और ये भी अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए, अब हमने इसको रख दिया है, अब ये तैयार हो जाए, फिर इसके बाद आपको इसको दिखाते हैं इसका तड़का कैसे लगाएंगे। हमारी दाल हो गई है 1 सीटी के बाद, हमने 20 मिनट के लिए रखा था। अब चलिए हम देख लेते हैं दाल हमारी कैसी हुई है। दाल हमारी बहुत अच्छे से हो गई है, ये देखो बिल्कुल गल गई है, और ये राजमा भी हो गए। तो हम करते हैं तड़के की तैयारी। इसको हल्का सा ऐसे मैश कर लेते हैं, वैसे तो दाल इतनी अच्छी हो गई हमारी, बहुत बढ़िया सी बिल्कुल मिक्स हो गई है। तो चलो अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। गैस को हम जला लेते हैं, इस पे रख दी हमने कढ़ाई, और कढ़ाई में पहले डाल लेते हैं थोड़ा सा घी। ये हमने थोड़ा सा घी डाल लिया है। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मक्खन। घी हमने इसलिए डाल दिया कि मक्खन जो है जले नहीं, ये मेल्ट हो जाने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, थोड़ी सी हमने इस गैस को हम सिम कर देते हैं। और इसमें डाल देंगे कश्मीरी मिर्च, ये करीब 1.5 चम्मच डाल देते हैं। और हमने ये 3 टमाटर की देसी टमाटर की प्यूरी बना के रखी है,
अब इसको इसमें डाल देंगे। इसको खूब अच्छे से पका लेना है, इतना पकाना है टमाटर अच्छे से पक जाए और घी जो है इससे अलग हो जाए। इसमें जो है देसी टमाटर ही डालना है क्योंकि इसको थोड़ा सा खट्टापन इसमें आना चाहिए और थोड़ा टमाटर और दाल की अपेक्षा इसमें थोड़ा ज़्यादा भी रहता है। और उसको खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है। जो दाल मखनी वैसे तो बहुत तरीके से बनाई जाती है, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कोई पहले तो हमारे यहाँ मम्मी बनाती थी तो वो प्याज लहसुन अदरक सब उसमें ही डाल देती थी, दाल में ही साथ में ही सब बॉयल हो जाता था। लेकिन अब हमने एक साथ नहीं डाला है, कई बार क्या होता है कोई प्याज नहीं डाल खाता है कोई लहसुन ही, तो ये सब आप स्किप भी कर सकते हो। और टमाटर और मेन तो देखो मक्खनी है तो मक्खन का ही मेन है कि मक्खन अच्छे से होना चाहिए। और टमाटर से जो है हल्की सी जो खटास आ जाती है क्योंकि राजमा और उड़द की दाल दोनों ऐसी है कि जिसमें थोड़ी खटास की ज़रूरत होती है, तो इससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो अभी तो हम टमाटर फ्राई कर रहे हैं, फिर हम आगे दिखाएंगे दूसरा तड़का भी हम लगाएंगे इसमें वो कैसे लगाएंगे। और दाल ही हमारी खूब चटपटी सी बनेगी बढ़िया। और वैसे तो आप फेमस है कि रेस्टोरेंट की दाल मखनी बहुत वो रहती है, लेकिन आप घर पे जो इस स्टाइल से बनाओगे ना ये रेस्टोरेंट से भी अच्छी लगेगी आपको, आप बना के देखना आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी ये दाल लगेगी, बहुत ही टेस्टी बनती है घर की ये दाल। ये हो गया हमारे टमाटर तैयार हो गए, देखो अच्छे से भुन गए खूब। गैस बंद कर देते हैं और दाल इसमें हम डाल देते हैं। दाल हमारी बहुत ठीक है, अभी इसमें हम थोड़ा गुनगुना पानी डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे गरम पानी, थोड़ा सा हिसाब से डाल देंगे। इसमें डाल देते हैं हम नमक अपने स्वाद के अनुसार, पहले हमने दाल में भी थोड़ी सी डाली थी। ये हो गई दाल हमारी अच्छे से। अब हम लगाते हैं तड़का इस पे। तड़के के लिए रख लिया हमने पैन और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी और डाल देंगे थोड़ा सा बटर, तो मेल्ट हो जाने देंगे। ये मेल्ट हो गया, इसमें डाल देंगे 3-4 लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा, इससे जो है बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसमें। और ये हो जाए थोड़ा सा, फिर इसमें डाल देंगे प्याज चॉप की भी। बहुत लोग इसमें प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन प्याज अगर आप खाते हो तो आप डाल दो, अच्छा लगता है प्याज से भी। क्योंकि जो हम टमाटर डालते हैं वो थोड़े खट्टे होते हैं, प्याज डालने से थोड़े मिठास हो जाने से दोनों का बैलेंस बढ़िया हो जाता है। और इसको दाल मखनी को हम तंदूरी रोटी लच्छे वाले पराठे और प्लेन रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये थोड़े थोड़े पिंक हो गए, अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन को हमने कूट के रखा है, इसका पेस्ट नहीं बनाया है, सिर्फ हमने ऐसे थोड़ा कूट लिया है। और थोड़ी सी हरी मिर्च, पेस्ट हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें ना बिल्कुल जो है मिक्स हो जाता है और जो इसका थोड़ा सा वैसा टेस्ट आता है ना मुँह में थोड़े कूटे हुए का, तो वो और अच्छा लगता है। मैं सब्जियों में ज़रा पेस्ट कम ही बना के डालती हूँ, मुझे ये कुटा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है और प्याज भी थोड़े कटे हुए ही अच्छे लगते हैं। ये तड़का हमारा तैयार हो गया, अब इसको हम दाल में डाल देते हैं। ये हम इसमें दाल में डाल देंगे। देखो कितनी बढ़िया दाल बनी है। अब जो इसकी खास चीज़ है जिससे इसका नाम पड़ा है दाल मखनी, वो तो हमारा रह गया, अब हम उसको
डालेंगे मक्खन को इसमें। इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं गरम मसाला। और ये देखो हमारा ये घर का मक्खन है वाइट वाला, और ये हम डाल देते हैं इसमें। मैंने बाजार का बस उसमें तड़के में डाला था, क्योंकि इसको तड़के में इसलिए नहीं डाला कि इसमें थोड़ा सा पकने के बाद इसके अंदर से जो है मक्खन का वो निकल आता है, ब्राउन ब्राउन सा जो होता है जल जाता है, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला था। पर दाल में तो डाल सकते हैं। और मक्खन डाल के फिर हम गैस को बंद कर देंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत थोड़ी सी डालेंगे। ये देखो गैस को बंद कर देंगे और ये हमारी दाल मखनी तैयार हो गई है। आपने बहुत तरीके से देखी होगी दाल मखनी, पर आप इसको जैसे मैंने बताया ऐसे आप बना के देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। बहुत लोग इसमें ऊपर से क्रीम भी डालते हैं, पर मैंने मक्खन काफ़ी सारा डाल दिया है तो क्रीम नहीं डाल रही हूँ मैं ऊपर से। तो चलो हमारी तैयार हो गई और हम इसको अब निकाल लेते हैं प्लेट में।